साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से स्मरण शक्ति, सोचने समझने की क्षमता, बल, बुद्धि या फिर अगर आपका दिमाग कमजोर है तो पूरी तरह से तेज हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए क्योंकि ये दवा जो है पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, सेफ है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और इसका नाम है सारस्वता रिस्ट। ये आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो और इजिली इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कितनी मात्रा में पीना है, कौन कौन से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विजय सारस्वता रिस्ट के नाम से आपको मार्केट में कई सारी कंपनियों का दवा मिलेगा, जैसे कि डाबर, बैद्यनाथ, झंडू या फिर और कई सारी कंपनियां जो कि आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती हैं वो सारस्वता रिस्ट को बनाती हैं। आपको जो भी मार्केट में मिलेगा वो ले सकते हैं, और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक होता है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए यानी ताकत को बढ़ाने के लिए, और जिनका दिमाग कमज़ोर है, मानसिक कमजोरी जिनको रहती है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका इस्तेमाल हर किसी को करते ही रहना चाहिए क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी को मानसिक तनाव रहता ही रहता है, चाहे किसी को कम हो या फिर ज़्यादा हो, और काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो उसमें ये सिरप काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, और जब मानसिक थकान रहता है तो पूरी तरह से शरीर में कमजोरी बनी रहती है, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते रहना चाहिए अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए। सारस्वता रिस्ट सिरप का इस्तेमाल जिनको काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, सुस्ती रहती है, थकान रहता है, कमजोरी बनी रहती है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसकी MRP 189 रुपये देखने को मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपको डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए किसी ऑफलाइन लेने की, अगर ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन का सहारा ले लीजिएगा। सारस्वता रिस्ट सिरप भैसज रत्नावली की विधि से बनाया गया है, तो ये पूरी तरह से सुरक्षित और प्योर आयुर्वेदिक दवा है, तो इस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। और इसमें जो भी फार्मूला मिलाकर बनाया गया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए गए हैं, सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या मिलकर बना हुआ है। अगर मैं यहां पर आपको एक एक चीज़ बताऊं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं इसमें क्या क्या मिलाया गया है। और इसको जो पीने का तरीका है, आपको 15 से 20 ml सुबह शाम दोनों समय लेना है, खाना खाने के बाद में बराबर मात्रा में पानी मिला करके। यानी अगर आप इस ढक्कन से इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 3 ढक्कन दवा और 3 ढक्कन पानी मिला करके पीना है, और पीने से पहले आपको इस सिरप को अच्छी तरह से हिला लेना है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं में अक्सर नीचे सतह पर जड़ी बूटी बैठा होता है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, तो जब आप इसको हिलाकर पियेंगे तो पूरी तरह से घुल जाएगा और आपको अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर इसमें लिखा भी गया है कि यहाँ पर देख लीजिए, बल, बुद्धि एवं स्मरण शक्ति वर्धक, अनिद्रा तथा मस्तिष्क दौर्बल्य नाशक। तो ये दवा जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके अंदर से कमजोरी को मिटाने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, और बल यानी ताकत को बढ़ाने के लिए, और भी जो आपकी शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक दुर्बलता है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इसको आप बिना डॉक्टर की सलाह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर से पूछकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस सिरप को 12 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए पीना चाहिए, और अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हैं तो बच्चों को अभी मत दीजिएगा क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है 12 साल तक ऑटोमेटिकली विकास करता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए आप डाबर या बैद्यनाथ का शंखपुष्पी सिरप इस्तेमाल कीजिएगा, वो बेस्ट रहता है बच्चों के लिए। और अगर बड़ों को भी इस्तेमाल करना है तो सारस्वता रिस्ट सबसे बेस्ट है क्योंकि
इसके इस्तेमाल से आपके दिमाग पर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप तनाव महसूस नहीं करेंगे। अगर आप काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाकर काम में व्यस्त रहते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपका तनाव दूर रहेगा, थकान दूर रहेगी, सुस्ती पूरी तरह से दूर रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस दवा के सेवन से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ऐसी ही दवाओं से संबंधित जानकारी के लिए विजय फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।